वेलकम बच्चों, हमारा चल रहा है 5.2 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें हमने अलग अलग फार्मूले देखे, जिसमें से एक फार्मूला था हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रोइड फार्मूला, और उन सबके हमको फार्मूले मालूम है और उसी के चलते हमारे पास में ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कहा उन्होंने, यानी पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप प्रॉब्लम सेट 5.2 में बराबर सीरियल वाइज, हम पूरा सिलेबस सीरियल वाइज पढ़ रहे ताकि आपका एक भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं पहला कह लेता हूँ, सो 6, फिर 7 में हमारे पास सब क्वेश्चन है, 3 हम सब पढ़ने वाले। देखो 6 क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालने, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेकिन किसका, द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 20-20 एंड 0-16। अब देखो यहां पर उन्होंने नाम नहीं दिए तो हम अपने मन से नाम ले सकते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लेट हम उनको नाम देते हैं, तो पहले को नाम देते ए, ठीक है, और इस तरह से लिखते, पहला क्या है यहां पर 22, 20, इसी को हम कह लेते X1, Y1, ठीक है। सेकेंड है 0.16, इसे नाम देते हैं हम B, और यहाँ पर कहते हैं हमारे पास है 0.16, और इसी को नाम देते हैं हम X2, Y2, ऐसा कह लेते हैं। अब उसने मिड पॉइंट कहा तो लेट कोई भी एक आधा पॉइंट ले लेते, ठीक है M, ठीक है M, B द मिड पॉइंट, देखो हम ये सब लेट में ले रहे हैं तो डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे, एम बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। अब देखो पॉइंट्स कौन से, ए और बी, इनको जोड़ दो तो बन जाएगा सेगमेंट ए बी, ठीक है। और जब मिड पॉइंट दिखे तो सीधा मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्या बोलेंगे हम, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। सो चलो बच्चों बताओ क्या है मिड पॉइंट फार्मूला। सो मिड पॉइंट कौन है, एम है, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है मिड पॉइंट का, बोली है X1 + X2 / 2 एंड Y1 + Y2 / 2, यानी मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहला कोऑर्डिनेट X जिसका फार्मूला X1 + X2 / 2, दूसरा Y है जिसका फार्मूला Y1 + Y2 / 2, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू रखते हैं, तो X1, अब देखो यहाँ पर X1 है 22 प्लस X2, X2 है 0/2, इधर Y1 देखो, ये Y1 है आपके पास 20 प्लस Y2 है 16 एंड / 2, अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर 22 प्लस 0 यानी 22/2, यहाँ पर 20 प्लस 16 ये बन जाएगा 36/2, और इसीलिए फाइनली M के जो कोऑर्डिनेट्स है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा और 2 8 जा, ठीक है, तो ये बनेंगे आपके M के कोऑर्डिनेट, और ये M क्या था हमारा, मिड पॉइंट, ठीक है। सो उसने कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो मिड पॉइंट इज इक्वल टू मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, आप यम शब्द डाल दो, यहाँ पर चलेगा M है, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 11.18। अब बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा यम, क्योंकि हमें उसने यम मिड पॉइंट है ऐसा कहा नहीं था, ठीक है, उसने पॉइंट के नाम दिए नहीं थे, हमने हमारे पद्धति से लिए, सो हम आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फाइनल लाइन से अच्छे से क्लोज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा निकलेगा मिड पॉइंट। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन 7, इसको देखने वाले, तो हमारी हेडिंग डाल देते क्वेश्चन 7। अब उसमें देखो क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, यानी आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है। तो सेंट्रोइड का फार्मूला क्या है, सेंट्रोइड को किससे बताते हम, सेंट्रोइड को कैपिटल जी से बताते, और उसका फार्मूला है जी के कोऑर्डिनेट्स यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी इज इक्वल टू X1 + X2 + X3 / 3 Y1 + Y2 + Y3 / 3, ठीक है। तो उसके लिए हमको 3 पॉइंट्स 3 वर्टाइसेस मालूम चाहिए, तो देखो क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो, तो ये जो है ये उसके क्या है, वर्टाइसेस है, ठीक है। सो चलो काम करते हैं, उसमें से पहला लेता, ठीक। सो क्या बोलेंगे यहां पर, गिवन वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, तो मैं इसको ले लेता हूं, लेट क्या है पहला ए, ठीक है, तो ए के लिए आंसर ले लेते यहां पर -7, ठीक है 6, ठीक, इसी को हम कह लेते X1 Y1, ठीक है। दूसरा है 2, इसको नाम दे देते B, ठीक है।
तो यहाँ पर आप ये लाइन अगर नहीं लिखते स्टार्टिंग में तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब गिवन लेते हो तो वहाँ पर नाम वाम दिए जाते हैं, हम यहाँ पर लेट ले रहे अपने मन से, ठीक। सो बी को नाम दे देते, चलो बताओ 2-2 है, इसको कहते हम x2 y2, और तीसरा है इसको नाम दे देते सी, ठीक। तो ये है 8,5 जिसको हम कहेंगे x3 y3, ठीक। तो अभी हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिए ए बी सी और उनके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 x2 y2 x3 y3 कह लिया, बराबर चेक कर लो। पहला है -7,6, 2,-2, 8,5, क्योंकि कभी कभी अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो लास्ट में आंसर में गड़बड़ी होती है। सो अब उन्होंने कहा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, यानी सेंट्रॉइड निकालना है। सो मैं ले लेता हूँ जी इज द सेंट्रॉइड, जी इज द क्या सेंट्रॉइड। अब मैंने पॉइंट्स को नाम क्या दिए ए बी सी, तो मैं कहूँगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आप ऐसा कह लीजिए, ठीक है। फिर बाय क्या बोलेंगे आप, सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। तो चलो बताओ, अभी थोड़ी देर मैंने बोला है तो सेंट्रॉइड फार्मूला यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी क्या हो जाएगा फार्मूला में, x1 + x2 + x3 / 3 होगा, यहाँ पर y1 + y2 + y3 / 3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम, चलो देखो ये स्टार्टिंग के जो भी है x1 x2 x3, यानी पहला x1 x2 x3, तो पहला क्या है -7 + 2 + 8 / 3 होगा, यहाँ पर आ जाओ y1 + y2 + y3, तो 6 - 2 = 5, तो 6 + -2 + 5 / 3, ठीक है। चलो सॉल्व करते, देखिए अब यहाँ पर सिंपल काम करते हम, यहाँ पर देखो ये 2 और 8 ये बन जाएंगे 10, और 10 - 7 आएगा आंसर 3, और नीचे में भी क्या है 3। यहाँ पर देखो ये 6 ± - होगा, तो 6 में से 2 गए तो बचेंगे 4, 4 + 5 दिस विल बी 9 एंड बाय 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9। सो वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड 1, -3, यानी इस प्रकार से आपको जी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब हमारे पास है सेकंड, एकदम फास्ट करते इसको आप ले लेंगे लेट। पहले को मैं नाम दे देता हूँ ए, चलो क्या है 3, -5, यहाँ पर है 3 - 5, इसे हम कहेंगे x1 y1। दूसरा है बी, क्या है इसके कोऑर्डिनेट 4, 3, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 4, 3, ठीक है, और इसको हम कहेंगे x2 y2। तीसरा है 11, -4, इसे कहेंगे सी 11, -4, बराबर लिखिए यहाँ पर, और इसको कहेंगे हम x3 y3, ठीक। फिर ये लाइन लिख दो जी इज द सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्या बोलेंगे जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप यहाँ पर जी इज द बोल सकते हैं या फिर लेट जी बी द बोल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जी बी द, क्योंकि वो लेट केस में आ रहा है। अब बराबर थोड़ा सा शब्दों की रचना अच्छी करो और ज़्यादा मैटर करता है वो, ठीक। और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। कभी कभी क्या होता है कि हमको मैथमेटिकली तो हर चीज़ बराबर हो जाती है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसके लिए भी बराबर किया करो आप, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है आपसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी क्या है फार्मूला, x1 + x2 + x3 / 3, इधर में है y1 + y2 + y3 / 3, हो जाएगा ऐसा। अब चलो वैल्यू रखो और काम करो, बताओ x1 + x2 + x3, देखो x1 x2 x3, यानी पहले 3 4 11, क्या होगा यहाँ पर 3 + 4 + 11 / 3, आगे में ये सेकंड वाला y1 y2 y3 -5 3 - 4, दिस विल बी -5 + यहाँ पर है 3 + ये है -4 / 3। सॉलिड कैलकुलेशन करो, 3 + 4 = 7, 7 + 11 बनेगा 18 / 3, यहाँ पर देखो -5 + 3, यानी आंसर होगा -2, -2 और -4
ये बनेगा माइनस सिक्स अपॉन थ्री, ठीक। और फाइनली आंसर होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, थ्री सिक्सा एंड थ्री माइनस टू जा होगा। सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, यानी हम यहाँ पर सेंट्रॉइड निकालेंगे, ठीक है। चलो द लास्ट वन इज देयर, क्वेश्चन नंबर थ्री है। सो यहाँ पर देखो 4, 7, 8, 4, 7, 11 है। सो फिर से लेट में ले लेते हैं, लेट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 4, 7, एक्स वन वाई वन, ठीक। दूसरा है बी 8, 4, इसको नाम देते हैं एक्स टू वाई टू, एंड सी अब देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 7, 11, तो यहाँ पर आप ले लो 7, 11, दिस इज एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक। अच्छा अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी बी द सेंट्रॉइड, जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो राइट हियर द बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला हो जाएगा। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी फार्मूला इज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। सी दिस, द 4 + 8 + 7 / 3, देन वाई वन वाई टू वाई थ्री, द सेकेंड नंबर्स 7, 4, 11 / 3। नाउ सॉल्व इट, 4 + 8 = 12, 12 + 9 = 19 / 3, 7 and 4 = 11, 11 + 11 = 22 / 3, एंड वी कांट डिवाइड 19 or 22 / 3, सो कीप एज इट इज, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो बच्चों इस प्रकार से वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लेटर ऑन। लेकिन इसके जैसे आपको सॉल्व एग्जांपल में और प्रॉब्लम सेट में प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है, वो आपको क्या करना है आप समझ गए हैं। आपको सिंपली इसको होमवर्क करना है और पीछे में आंसर्स रहते हैं, आप वो आंसर्स को टैली करेंगे। अगर एक आधा इसमें प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताइए, मैं फिर से यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। सो भी आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करते बाद में। टिल देन